मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मध्य प्रदेश में मोदी मोदी। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान में मोदी मोदी। मैंने राजस्थान में ये भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में मोदी मोदी। छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा मैंने खुद कहा था सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। देश भर में मोदी मोदी। 2023 में मोदी मोदी। 2024 में मोदी मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। सियासत में कुछ भी निर्णयात्मक यानी पक्के तौर पर कहा नहीं जाता, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। यकीन नहीं होता तो ज्यादा दूर की नहीं, अभी अभी की ये तीन तस्वीरें देख लीजिए और याद कीजिए कि बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित कैसे चकरा गए। यही है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, और इसी लीडरशिप की अग्नि परीक्षा है आम चुनाव 2024 में। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी तसल्ली बख्श राजनीति करते हैं, नीव विकास की हो, करप्शन मुक्त कंट्री की हो। हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा, और ये मोदी है, हिसाब कच्चा नहीं करता है, पक्का करता है। या कांग्रेस मुक्त भारत की हो, बहुत मजबूती से रखते हैं। नरेंद्र मोदी के सियासी मकान में कोई सेंध लगा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, और उसके एक नहीं छह कारण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 पिलर्स तैयार किए हैं उसके आधार पर 2024 चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी गई है। 2019 में 353 सीटों के आंकड़ों को पार करने की प्लानिंग में वादों की किताब का कोई स्थान नहीं है। एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया, बल्कि काम है जो मोदी की गारंटी कही जा रही है। पहला अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी लेकिन टूट गई। दूसरा राम मंदिर निर्माण, भव्य दिव्य राम लला के मंदिर का पट बस खुलने ही वाला है, मंदिर भी बना और तारीख भी बता दिया। तीसरा लाभार्थी वर्ग, ऐसा वर्ग जिसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के दौर में भर पेट भोजन किया। ये वो वर्ग है जो हर घर जल से खुश है। ये वो वर्ग है जिसका बैंक अकाउंट है। इनमें वो 4 करोड़ लोग भी शामिल हैं जिनके सिर पर मोदी सरकार ने छत दी है। चौथा महिला वोटर। मध्य प्रदेश में लाडली योजना देखिए, 3 तलाक देखिए, 33% आरक्षण देखिए, गैस सिलेंडर का वितरण देखिए,
विपक्ष चित है। पांचवा, युवा वोटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व युवाओं को खींचता है। जवानी में फैसले लेने में देर नहीं लगती, तो फैसला देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कनाडा को दो ठोक, खालिस्तानियों की तबाही, चीन को करारा जवाब, अमेरिका को सही सही ठोक कर जवाब। एक्शन में रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और छठा, विकास, जिसकी जमा सोच है 2047 तक देश को विकसित बनाना, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना। सियासत में धोबी पछाड़ किसे कहते हैं? 3 राज्यों में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का यही तरीका है। विपक्ष को ही नहीं, बड़े बड़े जानकारों को भी उनके फैसले की भनक तक नहीं लगती और सारे समीकरण बदल जाते हैं। मंडल, कमंडल, ट्राइबल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको एक साथ साध लेते हैं। उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। कांग्रेस खामोश हो जाती है जब पार्टी के सांसद धीरज साहू की अकूत संपदा पकड़ी जाती है। विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है जब आलमीरा और बैगों से भरे नोट देश भर के टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। मोदी सारे समीकरणों को धता बताने का हुनर रखते हैं। मोदी विपक्ष का कंपोजिशन बिगाड़ने की गणित जानते हैं। देश के सबसे बड़े सियासी सूरमा की सिर्फ नई नई जीत वाले राज्यों में 2019 के स्ट्राइक रेट देखिए। मध्य प्रदेश 29 में से 28, स्ट्राइक रेट 97%। राजस्थान 25 में 25, स्ट्राइक रेट 100%। छत्तीसगढ़ 11 में से 9, स्ट्राइक रेट 82%। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत कोई साधारण जीत नहीं है। ये गारंटी लग रही है आम चुनाव में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने की। मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता के सामने राहुल गांधी के जातीय गणना वाली सियासत का बुलबुला फूट चुका है। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी, मगर जब ओबीसी को भागीदारी देने का सवाल आता है। बिखरे विपक्ष के पास मोदी का विकल्प नहीं है, ना ही ऐसा संगठन दिख रहा है जो मोदी को चैलेंज करे। कोई बहन कहती है कि बचपन से ही हम तो धुएं में जिंदगी गुजारते थे, गैस आ गया जिंदगी बदल गई। उससे बड़ा, जो सबसे बड़ी बात की बहन ने, उसने कहा गरीब और अमीर का भेद मिट गया। क्यों? इसकी डिटेल में जाने से पहले मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स का कुछ उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। समीकरण कैसे सत्ता है, गौर कीजिए। राजस्थान में 33 साल बाद ब्राह्मण समाज से आने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 डिप्टी बनाए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। इसे बहुत ध्यान से समझिए कि नरेंद्र मोदी ने 2024 में 2019 को दोहराने की कितनी जबरदस्त प्लानिंग की है। सीएम भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी राजपूत समाज से और दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से। अब मोदी डिक्शनरी को खोलकर देखिए, पूरा नक्शा देखेगा। राजस्थान में 33 साल बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। ब्राह्मण चेहरे का दांव बहुत नायाब नहीं है, लेकिन इसका असर देखिए और मोदी की दूर की सियासी नजर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ब्राह्मणों की आबादी राज्यवार देखिए, उत्तराखंड 25%, हिमाचल प्रदेश 18%, हरियाणा 12%, उत्तर प्रदेश 11%, महाराष्ट्र 10%, मध्य प्रदेश 9%, राजस्थान 7%, बिहार 4%, पश्चिम बंगाल 3%। देश का कोना कोई हो, आपको ब्राह्मण मिलेंगे ही मिलेंगे। बीजेपी पहले ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कही जाती थी। ओबीसी के शोर में बीजेपी का कोर ब्राह्मण वोट बैंक पिछड़ने लगा था। राम मंदिर आंदोलन के पहले से ही ब्राह्मण बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंडल के असर में ब्राह्मण नेतृत्व कम होने लगा। मोदी की नजर कहां तलक जाती है, एक और उदाहरण राजस्थान से ही देखिए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जिस समाज से आते हैं, देश भर में उस बैरवा समाज की आबादी करीब 11 करोड़ बताई जाती है। अकेले राजस्थान में बैरवा समाज 40 से 45 लाख की संख्या में है। राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटों में से करीब 70 सीटों पर बैरवा समाज के लोगों के वोट जीत हार का निर्णय करते हैं। राजस्थान का उदाहरण देखा, अब छत्तीसगढ़ में देखिए। नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी पूरे देश में आदिवासियों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुकी है। पार्टी ने नेतृत्व सौंप दिया है। आदिवासी समुदाय का सियासी असर देखिए। जो गरीब लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 8.9% है और लोकसभा में 47 सीटें रिजर्व है। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। कोई अनुमान, पूर्वानुमान, एग्जिट पोल, पॉलिटिकल पंडितों का ज्ञान, कुछ नहीं। सारे समीकरण ध्वस्त। दिल्ली में ऐसी कौन सी दूरबीन लगी है जो बीजेपी के लिए वोटरों को खींचकर बूथ तक ले आती है। विपक्ष अवाक है, राजनीतिक ज्ञानी रिसर्च में जुटे हैं, कोई तोड़ समझ नहीं आ रहा, कोई तरीका नहीं मिल रहा, कोई ताबीज नहीं मिल रही। लुटियंस दिल्ली चकराई हुई है 9.5 साल, आगे कितना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर आसीन कर मोदी सरकार ने डायरेक्ट मैसेज दिया और उसका असर छत्तीसगढ़ में देखा। एक सुर से जब सब कह रहे थे कि कांग्रेस ही आएगी, 3 दिसंबर को मोदी ने सबको जवाब दे दिया। सत्ता की राह जितनी टेढ़ी होती है, मोदी उतनी ही तेज दौड़ लगाने में सक्षम है। चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, मोहन यादव 4th पंक्ति में बैठे थे जब उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए पुकारा गया। मोदी अनुशासित पार्टी के नेता हैं और यह अनुशासन ही बीजेपी को बूथ पर जीत दिलाता है। कैसे, एक एक कर समझिए। जातीय जनगणना की बखिया कैसे मोदी ने उधेड़ी मध्य प्रदेश में, समझिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। कहा जा रहा है कि मोहन यादव को उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को ध्यान में रखते हुए चुना गया है, जहां अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव यादव जातियों की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी में बड़े यादव चेहरे के उभरने से समाजवादी पार्टी और आरजेडी की जातीय राजनीति को कड़ी चुनौती मिल सकती है। यह यूपी बिहार की सियासत के लिए बीजेपी का तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। राजनीति और सरकार के जितने भी कायदे होते हैं, उनके फायदे चुनाव के वक्त मिले, इसी को मोदी मैजिक कहते हैं। सियासी रण में मोदी के समीकरणों की काट कहां से निकालेगा विपक्ष, उदाहरण सामने है। उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी 8% से कुछ ज्यादा मानी जाती है, हालांकि कुल ओबीसी समुदाय का ये लगभग 20% है। इसी तरह बिहार में यादव समाज की हिस्सेदारी लगभग 14.26% है। इसी जातीय समीकरण के दम पर लालू यादव बिहार में ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे और आज तक उनकी पार्टी राज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लोकसभा की कुल 65 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 में 65 में से 62 सीटों पर अपनी ध्वजा फहराई थी। कदम दर कदम विपक्ष मात खा रहा है और मोदी का कारवां 2024 की जीत की ओर सरकता नहीं, तेजी से दौड़ता हुआ दिख रहा है। जाति गणना कराई है आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की सरकार ने बिहार में, लेकिन उस पर सबसे पहले अमल किया है बीजेपी ने। पीएम मोदी की जाति की अपनी परिभाषा है जो उनके विकास वाले एजेंडे को सूट करता है। पीएम मोदी ने देश की मूल रूप से 4 जातियां बताई हैं, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं। देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार,
इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत की नींव बहुत गहरी है और उस पर उठी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। फैसले सिर्फ तेजी से नहीं करते बल्कि परिपक्वता के साथ करते हैं, दूरगामी असर रखने वाले फैसले करते हैं, चाहे मामला सियासी हो या सरकारी या विदेशी। G20 के सफल सम्मेलन ने नरेंद्र मोदी का कद और ऊंचा कर दिया है। लेकिन G20 का सियासी सब्जेक्ट नहीं बल्कि उसकी सोच पीएम मोदी के मां भारती वाले विचार से जुड़ी है। जहां सियासत बौनी हो जाती है, सरकारें छोटी हो जाती हैं। दुनिया में से 1,00,000 लोग आए हैं यहां, और वो लोग थे जो उन देश की निर्णायक टीम के हिस्से थे, नीति निर्धारण करने वाली टीम के हिस्से थे, और उन्होंने आकर के भारत को देखा है, जाना ना है, यहां की विविधता को सेलिब्रेट किया है। वो अपने देश में जाकर के इन बातों को नहीं बताएगा, ऐसा नहीं है, वो बताएगा। इसका मतलब कि वो आपके टूरिज्म का एम्बेसडर बन के गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं। सियासत के बने बनाए उसूलों और परंपराओं से अलग अपनी लीग पर काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उदाहरण से समझिए, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से हटा दिया गया। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस फैसले को कहा सही है। मोदी के बड़े फैसले चौंकाते हैं, विपक्ष को संभलने तक का मौका नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर विपक्ष अभी से मायूस क्यों है, इसे समझे बिना 2024 में मोदी बनाम ऑल की राजनीति को आप नहीं समझ पाएंगे। ये जो 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव आपने देखा वो सबसे ताजा उदाहरण है। अब जरा पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का ताजा ग्राफ देख लीजिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी हुई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबसे आगे हैं। 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता के अप्रूवल रेटिंग में 10 अंकों का अंतर है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर इस लिस्ट में 66% रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति की रेटिंग 58% और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की 49% अप्रूवल रेटिंग है। यह लिस्ट मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से बनाई गई है। देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी है। देश की सियासत में दूर दूर तक ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता जो मोदी की लोकप्रियता के आगे टिक सके। आलम तो यह है कि सिर्फ भारत की राजनीति में ही मोदी की गारंटी का नारा ट्रेंड नहीं कर रहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अब मोदी की गारंटी का गुणगान कर रहे हैं। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. इंटरनेशनल इमेज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के बाद से 14 देशों के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और इधर घरेलू मोर्चे पर जो नेता हैं उनकी एक एक कर गिनती कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी तुलना कीजिए। 2024 की पिक्चर अभी से आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। गठबंधन को देखिए, पहला नाम राहुल गांधी का, जिनके सामने वो मोदी खड़े हैं जिन्होंने पिछले 23 सालों में एक भी चुनाव नहीं हारा निजी तौर पर। और उनके सामने राहुल गांधी हैं जो अपनी परंपरागत लोकसभा सीट अमेठी तक नहीं बचा पाते हैं, वायनाड जाना पड़ता है। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी, मगर जब ओबीसी को भागीदारी देने का सवाल आया
उनकी सच्ची शक्ति उनकी आबादी का पता लगाने के बाद आई तो नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं, जनरल है ही नहीं, सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। दूसरे नंबर के नेता पर आइए जिन्होंने जाति गणना करवाई ही नहीं उस आधार पर आरक्षण भी बांट दिया। नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की जमा सियासत है कुर्मी वोट और अब उसके साथ यादव वोटों का तालमेल बैठाकर दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन यही भूल गए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर बिहार में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है तो उस हिसाब से उनकी भागीदारी कितनी है। तीसरे हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, जिनसे भतीजा ही नहीं संभला। पार्टी टूट चुकी है और अब उसके मलबे पर शरद पवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना हुंकार भर सकेंगे। चौथे नेता नहीं नेत्री हैं फायर ब्रांड ममता बनर्जी, जिनके हाथों पश्चिम बंगाल में विकास अपनी किस्मत पर प्रलाप कर रहा है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने के आरोपों के बीच ममता दीदी की सरकार चल नहीं खिसक रही है। इन चारों के अलावा भी कई चेहरे हैं जो आपके जहन में दस्तक दे रहे हों, लेकिन मोदी के सामने वो कहीं नहीं टिकते। पूरा विपक्ष बिखरा हुआ लगता है, गठबंधन में गांठें ही गांठें दिख रही हैं और इन सारी गांठों में भ्रष्टाचार वाले दीमक लग जाने के आरोप हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाना ही देख लीजिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जमानत पर होने का ही केस देख लीजिए और साथ ही लालू यादव की केस हिस्ट्री पर भी गौर कर लीजिए। दो दर्जन से अधिक पार्टियां जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी है बैठक पर बैठक कर रही हैं, लेकिन नतीजा क्या? शून्य से थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ता दिखता है, पहुंच कहीं नहीं रहा। ऐसा लग रहा है विपक्ष टूटे हुए हौसले के साथ मोदी जैसे सूरमा से भिड़ने जा रहा है। विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी हवा अभी से निकल गई, देसी से लेकर विदेशी तक, रक्षा से लेकर सुरक्षा तक, फैसले से लेकर समझौते तक, हवा से लेकर सड़क के सफर तक, मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सब कुछ बता रहा है। 9.5 सालों में मोदी का काम सबने देखा और सबने परखा। ऐसे में 2024 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह इतनी मुश्किल नहीं लग रही। सियासी आईने में सदा सब कुछ धुंधला दिखता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन मोदी की डिक्शनरी में ये परिभाषा फिट नहीं बैठती। सिर्फ चुनाव नहीं, नतीजे नहीं, नतीजे के बाद शासन और सरकार और इन सबके जरिए सबका साथ सबका विकास वाली सोच और इन सबके बीच वो समीकरण जो गर्दा उड़ा देता है। 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद 2019 में भी अपराजेय रहे। अब देखना है कि 2024 में तीसरी बार वो फतह कर पाते हैं या नहीं। हिंदुत्व प्लस मोदी ब्रांड प्लस विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देश में कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा, लेकिन जनता के दरबार में फैसला आना अभी बाकी है। दो बार से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी चाणक्य के साथ मैदान में उतरने ही वाले हैं।